गिरनार मंडन नेमीनाथ दादा, आपने उनकी कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, पर आज हम जो कहानी बताने वाले हैं वो कथा हम में से कई लोगों के लिए शायद अनसुनी, अनकहीं, अनजानी होंगी। आज नेमीनाथ भगवान के इतिहास में जाएंगे। हम जाते हैं दो भव पूर्व, जिस भव में नेमीनाथ दादा ने नेमीनाथ बनने की भूमिका रची थी। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थंकर जो होते हैं वो सिर्फ तीर्थंकर वाले भव में ही करुणा के स्रोत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पूर्व के भवों में भी करुणा की बातें हमें देखने मिलती है, और ऐसा ही कुछ हुआ उनके सातवें भव में, वो आज हम देखेंगे। बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए नेमीनाथ दादा की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए। जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, हस्तिनापुर नगर, जो आदिनाथ भगवान के पारने के लिए भी प्रसिद्ध है, उसी नगर के अंदर श्रीसेन नामक राजा और श्रीमती नाम की उनकी पत्नी थी। एक दिन कुछ रात्रि शेष बाकी थी, तब उन्होंने एक पूर्ण चंद्र को अपने मुंह में प्रवेश करते हुए देखा। स्वप्न कथकों से जो सपने का अर्थ बताते हैं उनसे उस सपने का फल पूछा। उन्होंने कहा, हे देवी, चंद्र के प्रकाश जैसा आपका पुत्र होगा। समय पूर्ण होने पर एक सर्व लक्षण से लक्षित पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। उसका नाम रखा गया शंख। और दूसरी तरफ श्रीसेन राजा के एक मंत्री को मतिप्रभा नामक लड़के का जन्म हुआ। वो और शंख कुमार दोनों हम उम्र के थे और साथ में ही पढ़ते थे। शंख बड़े हुए, एक बार उसी नगर के लोगों ने राजा के सामने आकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि आपके देश की सीमा में विमल शिखर नाम का पर्वत है, उसके किले में समर सेतु नाम का एक पल्लीपति है। पल्लीपति का अर्थ है डाकू। वो हमें लूट रहा है, हमारी रक्षा करें। राजा के आदेश पर युद्ध घोषणा के नगाड़े बजने शुरू हुए। शंख कुमार ने अपने पिताजी को नमन करके कहा कि ऐसे बालक जैसे व्यक्ति के साथ लड़ने के लिए आप जैसे सिंह को जाने की जरूरत नहीं है पिताजी, आपकी आज्ञा से मैं उसको बांध कर लेकर आऊंगा, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। राजा ने शंख कुमार के वचनों को सुनकर सैन्य के साथ उसे भेज दिया। शंख कुमार उस किले के पास पहुंचे, वहां उस डाकू ने कुमार को आते हुए जानकर पल्ली को छोड़कर पर्वत की गुफाओं में छुप गया। चतुर शंख कुमार ने एक और दूसरे राजा और सेना के साथ वहां अंदर प्रवेश किया। वहां एक खुफिया जगह पर वे छुप गए। डाकू ने सोचा कि पूरी सेना अंदर चली गई है, और शंख कुमार को मारने की इच्छा से उसने किले को घेर लिया। कुमार तो बहुत चतुर थे, उन्होंने तो कुछ ही सैनिकों को लेकर अंदर प्रवेश किया था, इसीलिए जैसे ही डाकू ने उस किले को घेरना शुरू किया वैसे ही शंख कुमार की बची हुई सेना ने बाहर से डाकू को घेर लिया। अभी पल्लीपति यानी कि डाकू के पास झुकने के अलावा और कोई उपाय नहीं था, तो भी उसने लड़ाई की और अंत में उसे झुकना पड़ा। अब देखते हैं नेमीनाथ भगवान के जीव शंख कुमार के करुणा के भावों की झलक। कुमार ने उस डाकू द्वारा लूटे हुए धन को जो जिसका था उसे दे दिया। कई लोगों को लगा कि ये धन तो अब राज्य की तिजोरी में जाएगा, लेकिन एक तीर्थंकर जीव अनीति का एक रुपया भी अपने भंडार में नहीं रखता। इसके बाद क्या था, शंख कुमार डाकू को लेकर राज्य में पहुंचा। राजा ने कुमार से पूछा कि इसे क्या दंड देना चाहिए। तभी शंख कुमार ने करुणा भाव से डाकू को दूसरा मौका देने का सुझाव रखा। यह सुनकर डाकू की आंखें भर आई, वो अपनी करनी की माफी मांगने लगा। उसने यह भी वादा किया कि आज के बाद वो सब मकारी और धोखे वाला काम छोड़कर एक सुखी जीवन व्यतीत करेगा। ऐसी ही रोचक कहानियां हम लाते रहेंगे, उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय नेमीनाथ, जय जिनेन्द्र।